हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्री कॉमर्स क्लासेस। मेरा नाम नीलेश रंजन है और आज हम बीकॉम पार्ट वन में एमलगेमेशन चैप्टर एएस 14 का एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन मैंने आपकी स्क्रीन पे डाल दिया, देख सकते हैं। 31 मार्च 2014 को ए लिमिटेड का स्थिति विवरण निम्नांकित है। तो ए लिमिटेड का बैलेंस शीट दिया हुआ है, शेयर कैपिटल दिया हुआ है 65,000, इक्विटी शेयर ऑफ टीम ईच 6,50,000, 2,00,000, 2,010% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच 2,00,000 का, रिजर्व एंड सरप्लस का निगेटिव बैलेंस है 3,10,500 का, लॉन्ग टर्म बोरोइंग है 12%, डिबेंचर है 1,50,000 का, बैंक लोन दिया हुआ है 5,000 का, ट्रेड पेबल दिया हुआ है 2,25,000 का, प्लांट एंड मशीनरी है 85,000 का, एक्सपेंसेज ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर, ये फिक्टिशियस असेट्स हैं 7,500 का, तो इसको हम जो रिजर्व एंड सरप्लस का बैलेंस दिया हुआ है उसी में से घटा लेते हैं। इन्वेंट्रीज 7,20,000 का है और ट्रेड रिसीवेबल 1,07,000 का है। कह रहा है बी लिमिटेड ने निम्नलिखित शर्तों पर ए लिमिटेड को अधिग्रहित किया है, मतलब कि उन्होंने निम्नलिखित संपत्ति और दायित्व को लिया है। तो जो जो संपत्ति और दायित्व के बारे में देगा केवल हम उसी की बात करेंगे, ठीक है। तो प्लांट एवं मशीनरी को 10% हास लगाने के बाद ले लिया है, स्टॉक को 6,86,850 6,86,850 पर ले लिया है, देनदारों पर 5% संदिग्ध ऋण का प्रावधान करेगा और तब जाकर उसको अधिग्रहित करेगा, और 12% ऋण पत्र को लिया जाता है। तो एसेट साइड में तो सभी एसेट्स ले लिए हैं, लेकिन लायबिलिटी साइड में 3 लायबिलिटीज हैं, एक 12% डिवेंचर है, एक बैंक लोन है, ट्रेड पेबल है। उन तीनों में से केवल डिवेंचर को लिया है, नथिंग एल्स, कुछ और नहीं लिया है। इसके बाद कह रहा है समापन व्यय 8,000 बी लिमिटेड द्वारा वहन किए जाते हैं, मतलब हो गया कि जो समापन व्यय है वो ए लिमिटेड वहन नहीं कर रहा है, खुद खर्च नहीं कर रहा है, बी लिमिटेड उसका भुगतान करेगा। तो हम ए लिमिटेड की पुस्तकों में इसकी कोई एंट्री नहीं करेंगे। उसके बाद कह रहा है ए लिमिटेड के पूर्वाधिकार अंशधारी अपने कुल दावे के निपटारे में 1,80,000 लेने के लिए सहमत हो गए। तो ए लिमिटेड में जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं उस जो 2,00,000 के हैं उन्होंने 1,80,000 रुपए लेने के लिए सहमति दे दी है। उसके बाद आगे कह रहा है ए लिमिटेड की पुस्तकों को बंद करने के लिए खाता बही के आवश्यक खाते बनाइए और बी लिमिटेड की पुस्तकों में जर्नल प्रविष्टियां कीजिए। तो पहले हम ए लिमिटेड की पुस्तकें बना लेंगे और फिर बी लिमिटेड की बनाएंगे। तो ए लिमिटेड की पुस्तकें में खाता बनाने के लिए कह रहा है, तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि खाता बनाने में हम क्या क्या बनाते हैं। तो एक तो हमको बनाना पड़ेगा रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरा बनाना होगा इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, तीसरा बनाना होगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, चौथा बनाना होगा ट्रांसफरी कंपनी अकाउंट, और पांचवा अगर कैश और बैंक का हम बनाना चाहते हैं तो जो इंफॉर्मेशन अगर उसके बारे में होंगे तो ठीक है। तो अब इसमें अगर आप देखेंगे तो हाँ, कैश अकाउंट हमको बनाना पड़ेगा, यस। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन बनाना। हमने सारे अकाउंट्स बना दिए हैं, अब अकाउंट्स क्रिएट तो कर दिए, इसमें सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, तो जितने भी असेट्स हैं और लायबिलिटीज हैं उसको इसमें ट्रांसफर करना पड़ेगा। जनरली जब भी किसी भी कंपनी का समापन होता है तो उसका बैलेंस शीट हम खाली कर देते हैं। तो इसमें जो इक्विटी शेयर है वो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में चला जाएगा यहाँ पे, तो भाई इक्विटी शेयर कैपिटल 6,50,000, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट में चला जाएगा, तो बाय प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट 2,00,000। रिजर्व एंड सरप्लस का निगेटिव बैलेंस दिया हुआ है तो वो भी उठ के यहां पे चला जाएगा। रिजर्व एंड सरप्लस अगर प्रॉफिट होता है तो भी शेयर इक्विटी शेयर होल्डर का होता है, लॉस भी होता है तो भी इक्विटी शेयर होल्डर का ही होता है, इसीलिए हम इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में ले जा रहे हैं। टू
रिजर्व एंड सरप्लस, अगर प्रॉफिट होता तो इधर आता, लॉस है इसीलिए इधर आ रहा है 3,10,500। उसके बाद लॉन्ग टर्म बोरोइंग दिया हुआ है, बैंक लोन दिया हुआ है, ट्रेड पेबल्स दिया हुआ है, तो ये तीनों इधर आ जाते हैं बाय 12%, डिवेंचर बाय बैंक लोन बाय ट्रेड पेबल्स, ये है 1,50,000, ये है 5,000 और ये है 2,25,000। उसके बाद एसेट साइड में प्लांट एंड मशीनरी है, तो 2 प्लांट एंड मशीनरी 85,000 का है, उसके बाद एक्सपेंसेस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, ये भी हमारा लॉस है, तो एक्सपेंसेस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 7,500। उसके बाद इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल है, तो 2 इन्वेंट्री और 2 ट्रेड रिसीवेबल। इन्वेंट्री हमारा है 7,20,000 का और ट्रेड रिसीवेबल है 1,07,000 का। अब इसके बाद आगे कह रहा है प्लांट एंड मशीन को 10%, तो हमको इसके ये जो डिटेल्स दिए हुए हैं इससे हमको परचेज कंसिडरेशन निकालना पड़ेगा। परचेज कंसिडरेशन कैसे निकालेंगे, तो वर्किंग नोट है इधर कर देता हूं, वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन, इसमें आप देखेंगे एसेट्स में प्लांट एंड मशीनरी को उन्होंने 10% डिस्काउंट के बाद लिया, तो 10% डिस्काउंट के बाद लिया, तो 85,000 का प्लांट एंड मशीनरी है, उसको 10% डिस्काउंट पर लेंगे तो 85,000 में से 8,500 माइनस कर देंगे तो 76,500 आ जाएगा। उसके बाद इन्वेंट्री को 6,86,850 के लिए, उसके बाद जो ट्रेड रिसीवेबल है उसको उन्होंने 5% घटाने के बाद दिया है, तो वो आता है 1,01,000, तो ये सब जोड़ने के बाद हमारा आ जाएगा 7,00,000। अब इसमें से माइनस डिवेंचर ले लिया, तो डिवेंचर माइनस कर देंगे 1,50,000 का, तो ये आ गया हमारा 7,50,000, 7,15,000 का हमारा ये परचेज कंसिडरेशन आ गया, ये अमाउंट जो है हमारा ये परचेज कंसिडरेशन है 7,15,000, तो वो हम यहां पे ट्रांसफरी कंपनी के नाम से यानी कि बी लिमिटेड के नाम से चला देंगे, बी लिमिटेड अकाउंट 7,15,000। और जो दूसरे दायित्व तो है वो चुकाने का काम हमारी फॉर्म यानी कि जो ए लिमिटेड है उसी को करना पड़ेगा, जो दायित्व तो नहीं लिए हैं, संपत्ति तो सभी ले लिए हैं, तो इसलिए संपत्ति में तो कुछ बेचना है नहीं हमको, लेकिन दायित्व तो में दो बच गए हैं, कौन दो बच गए हैं, तो एक तो बच गया है ट्रेड पेबल, उसको पेमेंट करना पड़ेगा, और एक हमारा लोन बच गया है, तो बैंक लोन हमारा बच गया है 5,000 का और ट्रेड पेबल बच गया है हमारा
2,25,000 का, 2,25,000 दोनों को जोड़ेंगे तो 2,30,000 हो जाएगा। 5,000 का बैंक लोन, 2,25,000 का ट्रेड पेबल, तो 2,30,000 हो गया। ठीक है, अब उसके बाद हम इसका कैलकुलेशन देख लेंगे, अगर कुछ आना होगा तो देख लेंगे और बाद में मान लीजिए। अब यहां पे ये बी लिमिटेड वाला जो है ये यहां पे चला जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो ये हो जाएगा 7,15,000। और ये जो पेमेंट करेगा बी लिमिटेड, तो बी लिमिटेड अपना पेमेंट किस तरह से कर रहा है, तो बी लिमिटेड कह रहा है कि क्रय प्रतिफल का भुगतान बी लिमिटेड के 10 वाले 20,000 समतांशों में तथा बाकी नकद पे। ठीक है, तो 10 रुपए वाले 20,000 समतांश जिसको 12 रुपए में निर्गमित किया गया है, तो सबसे पहले तो इसको भी हमको देख लेना पड़ेगा कितना नकद दिया है। तो नकद इक्विटी शेयर जो दिया है वो दिया है 20,000 शेयर, 10 वाले हैं लेकिन 12 में निर्गमित हैं, तो हम 12 रख लेंगे, तो 2,40,000 रुपए का इक्विटी शेयर दिया। शेयर 10 रुपए का है लेकिन इशू किया है 12 में और 20,000, तो 20,000 उन्होंने 12, 2,40,000 का इक्विटी शेयर दिया और बैलेंस कह रहा है नकद में दे रहा है। ठीक है, तो बैलेंस कितना बचेगा, तो हमारा परचेज कंसिडरेशन था 7,15,000, उसमें से इसको घटा लेंगे तो बाकी बच जाएगा हमारा कैश, कैश हो जाएगा हमारा 4,75,000। 4,75,000 का कैश पेमेंट करेगा। ठीक है, तो इधर बाय कैश एंड बाय इक्विटी शेयर इन बी लिमिटेड, ये कैश हो जाएगा 4,75,000 और 2,40,000 का हमारा ये हो जाएगा, ये टोटल अकाउंट क्लोज हो जाएगा 7,15,000। ठीक है, अब ये जो पेमेंट हुआ है ये पेमेंट चला जाएगा कैश में बाय रियलाइजेशन अकाउंट 2,30,000, उधर से जो कैश आया है वो यहां पे आ जाएगा टू बी लिमिटेड 4,75,000। उसके बाद यहां पे ये भी कह रहा है कि ए लिमिटेड के पूर्वाधिकार अंशधारी अपने कुल दावे के निपटाने में 1,80,000 रुपए ले रहे हैं, 2,00,000 का उनका टोटल पेमेंट है और वो पेमेंट एक्सेप्ट कितना कर ले रहे हैं, तो 1,80,000 रुपया पेमेंट एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, 1,80,000। ठीक है, तो प्रेफरेंस शेयर का भी काम खत्म, तो ये 1,80,000 में 20,000 का फायदा हुआ है, ये 20,000 का फायदा चला जाएगा रियलाइजेशन में टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब हमको सारे अकाउंट्स क्लोज करने हैं, सबसे अंतिम इक्विटी शेयर होल्डर का अकाउंट क्लोज करना है बाय प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट 20,000, टोटल हो जाएगा तो 7,18,20,000, 11,05,000, 11,12,000, 11,42,000, 11,42,000 इधर आ गया, इधर हो जाएगा बाय इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट 27,000 का लॉस हुआ है रियलाइजेशन, और ये लॉस किसको मिलेगा, फिर से इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में चला जाएगा, क्योंकि तो जितने भी प्रॉफिट एंड लॉस होते हैं वे अंत में सब इक्विटी शेयर होल्डर को मिलना है, जितने भी प्रॉफिट और लॉस होते हैं सब के सब इक्विटी शेयर होल्डर को।
ठीक है। तो ये इधर आ गया, जितने भी ये हमारे इक्विटी शेयर्स थे वो भी यहीं पे आ जाएंगे और जो बैलेंस कैश बचेगा वो भी उठ के इधर ही आ जाएगा, ठीक है। तो बैलेंस कैश भी हम दिखा ही देते हैं। यहाँ पे 1,80,000 प्रेफरेंस शेयर होल्डर को गया है, तो बाय प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट 1,80,000 और जो बैलेंस होगा वो इक्विटी शेयर होल्डर को मिल जाएगा। कितना बैलेंस बचा वो इक्विटी को मिल जाएगा, तो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। ये 65,000 यहां पे आ जाएगा टू कैश अकाउंट 65,000 और टू इक्विटी शेयर्स इन बी लिमिटेड। दो लाख चालीस हजार ये टोटल हमारा बराबर हो जाना चाहिए। 6,50,000 इधर, 3,18,000, 3,18,27, 45,45,50, 50 और 60, 4,10,000, 2,40,000, 6,50,000। तो ये तो हो गया आपका ए लिमिटेड की बुक्स। ए लिमिटेड की बुक्स में रियलाइजेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, बी लिमिटेड एंड कैश अकाउंट, ये हमने परचेज कंसिडरेशन निकाल दिया है, ठीक है। एक बार मैं ए लिमिटेड की बुक्स फिर से रिपीट करता हूं ताकि आपको पता चले, जितने भी एसेट्स और लायबिलिटी थे सब हम उठा के रियलाइजेशन अकाउंट में ले आए, ठीक है। इक्विटी शेयर होल्डर्स का जो बैलेंस दिया हुआ था वो हमने इक्विटी शेयर के खाते में ट्रांसफर कर दिया इक्विटी शेयर होल्डर के खाते में। जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया हुआ था वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर के अकाउंट में चला गया। जो रिजर्व एंड सरप्लस का नेगेटिव बैलेंस था वो भी इक्विटी शेयर होल्डर के डेबिट में आ गया, क्यों, क्योंकि वो लॉस था। उसके बाद आपको एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर थे वो भी लॉस था, तो वो भी इक्विटी शेयर होल्डर के खाते में ही हमने डाल दिया है। उसके अलावा जितने भी एसेट्स थे वो रियलाइजेशन में आ गए, ठीक है। उसके बाद जब पेमेंट की बात आई तो पेमेंट दो तरीके दो भाग में हुआ है, एक भाग इक्विटी शेयर होल्डर में है बाकी कैश में है। तो टोटल परचेज कंसिडरेशन हमने निकाल लिया, क्योंकि जिस तरह से एसेट्स लिया है उसमें बोल रहा है कि प्लांट एंड मशीनरी को 10% डेप्रिशिएशन लगाने के बाद, तो 85,000 के 85,000 का प्लांट एंड मशीनरी था उसमें 10% आस लगा दिया हमने, तो यहाँ पे 76,500 का हो गया। उसके बाद इन्वेंट्री जो है, इन्वेंट्री का वैल्यू दिया हुआ है 6,86,850। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल है 1,01,650 का, यानी 1,07,000 रुपए है, 5% का उसपे अप्राप्य ऋण का बैड डेट्स का प्रोविजन बनाना है, तो 5% 1,07,000 से घटाने के बाद दिया गया है। तो टोटल हमारा एसेट साइड आ गया 8,65,000, उसमें से हमने जो लायबिलिटी उसने लिया है डिवेंचर का वो घटा दिया है 2,00,000, डिवेंचर 1,50,000 का, तो उसको हम माइनस कर देंगे, तो टोटल आ गया हमारा परचेज कंसिडरेशन 7,15,000 का, 7,15,000, ठीक है। 7,15,000 में से शेयर वाला जो हिस्सा है वो है 20,000 शेयर 12 रुपए के हिसाब से, तो 20,000 शेयर 12 रुपए के हिसाब से होते हैं 2,40,000। अब उसके बाद जितना परचेज कंसिडरेशन था उसमें से इक्विटी शेयर हटाने के बाद जो बैलेंस बचता है वो हम कैश में पे कर रहे हैं, तो कैश में 4,75,000, ठीक है, वो मैंने कैश अकाउंट में भी दिखा दिया है, ठीक है। यहाँ पे आप एडिशनल अकाउंट और बना सकते हैं शेयर्स इन बी लिमिटेड अकाउंट, ठीक है, उसमें आपको यहाँ से जो इक्विटी शेयर ट्रांसफर होगा वो उसमें चला जाएगा और बाद में फिर वहां से इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में चला जाएगा, तो ऐसा हमने डायरेक्ट ट्रांसफर कर दिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब सारे परचेज कंसिडरेशन निकल गए तो परचेज कंसिडरेशन को हमने रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में उसके नाम से दिखा दिया बाई बी लिमिटेड 7,15,000, ठीक है। उसके बाद जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर का था उसमें कह रहा था कि 2,00,000 का प्रेफरेंस शेयर होल्डर है बट वो 1,80,000 एक्सेप्ट कर ले रहा है पेमेंट, फाइनल पेमेंट, तो हमको 20,000 का प्रॉफिट हो गया। वो 20,000 का प्रॉफिट किसका है, इक्विटी शेयर होल्डर का, तो हमने सीधे उसको ट्रांसफर करके रियलाइजेशन में, तो यहाँ पे आ गया वो प्रॉफिट।
यहां से उठ के यहां पे आगे 20,000 का प्रॉफिट, फिर हमने रियलाइजेशन अकाउंट का प्रॉफिट निकाला तो उसमें लॉस आया एक्चुअली 27,000 का, 27,000 का लॉस आया, वो 27,000 हमने इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। और जो कैश अकाउंट था, कैश अकाउंट में हमने बैलेंस निकाल लिया क्योंकि जो लायबिलिटीज को लिया नहीं था बी लिमिटेड ने, उसको हमको पे भी तो करना पड़ेगा, जैसे बैंक लोन और ट्रेड पेबल, ये बी लिमिटेड ने नहीं लिया है, केवल डिवेंचर लिया है, तो केवल डिवेंचर लिया होगा तो हमको बैंक लोन और ट्रेड पेबल को पे करना पड़ा, तो पे करना पड़ा तो कितना पे किया हमने 2,30,000, उसके अलावा हमको प्रेफरेंस शोल्डर को 1,80,000 पे करना पड़ा, तो बाकी जो बचा हुआ कैश है 4,75,000 में, सो किसको मिलेगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलेगा, तो 65,000 का कैश इक्विटी शेयर होल्डर को मिला जो कि हमने इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, और जो बचे हुए इक्विटी शेयर होल्डर इन बी लिमिटेड का वैल्यू 2,40,000 था, वो भी यहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, तो हमारा इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट का बैलेंस मैच हो गया। तो ये है इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड, ठीक है, विक्रेता की पुस्तकें। अब एक जर्नल एंट्री वाला कॉन्सेप्ट है, तो मैं इधर वाला कुछ पार्ट मिटा के फिर बाकी बी लिमिटेड बुक्स में जर्नल एंट्री कर देता हूं। फॉर्मेट भी बनाना चाहिए, फॉर्मेट बना कर सकते हैं, बिना फॉर्मेट में कर देता हूँ, आप फॉर्मेट बनाए कर लीजिएगा, ठीक है। पहला एंट्री होता है परचेज कंसिडरेशन का, तो हम यहां पर लिखेंगे बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट, टू लिक्विडेटर ऑफ ए लिमिटेड अकाउंट, पहला जर्नल एंट्री हुआ। दूसरा, जो जो एसेट्स लिए हैं, तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, इन्वेंटरी अकाउंट डेबिट, ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, टू 12% डिवेंचर, टू बिजनेस परचेज अकाउंट, तो हमने जो एसेट्स लिए हैं वो लिए हैं 76,500 पे हमने प्लांट एंड मशीनरी ले लिया, इन्वेंट्री का दिया हुआ 6,86,850 और 1,01,350 पे ये ले लिया, डिवेंचर सेम वैल्यू पे लिया गया है 1,50,000 पे और 7,15,000 पे। ओके, जब भी आप नेट एसेट मेथड से, नेट पेमेंट मेथड नहीं बात करो, नेट एसेट मेथड से परचेज कंसिडरेशन निकालिएगा तो आपको यहाँ पे गुडविल और कैपिटल रिजर्व नहीं निकल के आएगा, ठीक है, आपको सेम बराबर ही आ जाएगा दोनों तरफ, तो गुडविल कैपिटल रिजर्व नहीं निकलेगा, ठीक है। तीसरा, पेमेंट कराने का, तो लिक्विडेटर ऑफ ए लिमिटेड अकाउंट डेबिट, टू कैश, टू इक्विटी शेयर्स इन बी लिमिटेड, तो 7,15,000 का पेमेंट कराना था, कैश हो गया 4,75,000 और 2,40,000 का इक्विटी शेयर हो गया। ये कैलकुलेशन हमने पीछे की थी, इसीलिए इसका मैं फिर से नहीं बता रहा हूँ, लिक्विडेटर ऑफ ए लिमिटेड अकाउंट डेबिट 7,15,000, उसमें से इक्विटी शेयर 2,40,000 का हो गया था, वो घटाने के बाद हमारा कैश आ गया था 4,50,000।
78,000 का। ये एंट्री है प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट, ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, 2 12% डिवेंचर, 2 बिजनेस परचेज अकाउंट। अमाउंट सबका है 76,500, 686,850, 1,01,350, 1,50,000 और 7,15,000। तो ये अभी तक तीनों एंट्री हमारी हो गई। चौथी एंट्री जो है उसमें कह रहा है कि 8,000 का पेमेंट जो है समापन बिल का वो बी लिमिटेड ने किया है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे गुडविल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 8,000, ठीक है। उसके बाद अगर कोई स्टैट्यूटरी रिजर्व होता है तो उसके लिए हम एक एंट्री करते हैं एमलुमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व अकाउंट डेबिट टू स्टैट्यूटरी रिजर्व, बट यहाँ पे वो नहीं है कोई भी ऐसा स्टैट्यूटरी रिजर्व, ठीक है। तो बाकी सारी चीजें हमने कुछ भी ली नहीं है और बाकी किसी भी चीज से हमारा कोई लेना देना है भी नहीं, ठीक है। तो ये हमारी एंट्रीज होंगी बी लिमिटेड की पुस्तकों में, और ए लिमिटेड ऑलरेडी हम डिस्कस कर ही चुके हैं। तो ये है आपका क्वेश्चन एमलुमेशन का AS 14। तो आप इसके हिसाब से फिर आगे के क्वेश्चन बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, पेज को सब्सक्राइब करें।